If you're new here, this is Dietitian Hazel. I'm a qualified clinical dietitian and a holistic health coach. If you're interested in diet, nutrition, health, lifestyle, and fashion, then this channel is for you. Can you imagine? We are going to do video in English, which is Hindi plus English, and I'm still talking in English. Okay. So, मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगी आगे से बिकॉज मुझे लगता है कि आप ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे और डोंट वरी मैं इंग्लिश सबटाइटल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी इफ पॉसिबल. सो आज का वीडियो है 5 ऐसे हैबिट्स पे जो आपको अभी के अभी या तुरंत स्टॉप कर देनी चाहिए. ये डाइट और लाइफस्टाइल रिलेटेड हैबिट्स है. सो साउंड्स इंटरेस्टिंग, देन लेट्स गेट स्टार्टेड. First is ignoring natural signals to defecate. What does that mean? जब भी आप स्कूल में होते हो या फिर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप एक एम्प्लॉय हो, आप अगर आपको सुबह का शिफ्ट होता है तो आपने कभी नोटिस किया है आप सब जल्दी जल्दी में कर लेते हो, पर उसके बाद जब भी आपको अर्ज होता है वॉशरूम जाने का तभी आप वो भूल जाते हो या फिर आप इतने जल्दी में होते हो कि आप नहीं जा पाते. और जब भी आप स्कूल जाते हो और या फिर आप ऑफिस जाते हो तभी आपको अर्ज होता है कि नहीं अभी करना चाहिए, बट तभी आप सोचते हो कि स्कूल का वॉशरूम अच्छा नहीं होगा, हाइजीन अच्छा नहीं होगा, या अभी मैं ऑफिस में हूँ, मेरी मीटिंग है तो मैं अभी कैसे जाऊँ, राइट? और उसी वजह से जब भी आप हर रोज ये हैबिट डेवलप कर रहे हो कि आप इग्नोर कर रहे हो आपके नेचुरल सिग्नल्स को टू डेफिकेट, तो फिर प्रॉब्लम होता है कॉन्स्टिपेशन का. और कॉन्स्टिपेशन ऐसी स्मॉल बीमारी नहीं है, वो बहुत बड़ी बीमारी है. बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन व्हाट हैपेंस, द अनडाइजेस्टेड फूड्स लाइज इन योर कोलन. और वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है उसका, तो वो फर्मेंट होके उसका बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है और दैट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन. अगर इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ गया तो बहुत सारी बीमारियां और आ सकती है. इसके लिए अगर आप ये हैबिट डेवलप कर रहे हो, अगर आप रोज ये कभी कभार हुआ तो एक अलग बात है, पर आप अगर आप रोज यही हैबिट फॉलो कर रहे हो जहाँ पे आप अगर नेचुरल सिग्नल्स को अपने इग्नोर कर रहे हो रोज डेली लाइफ में, तो अभी के अभी प्लीज स्टॉप कीजिए. सेकेंड है पॉपिंग पिल्स एवरी नाउ एंड देन. व्हाट डज दैट मीन? आप ऐसे इंसान हो जिसको हेडेक हो गया पीरियड पेन की वजह से, या फिर स्टमक एक, बैक एक, या फिर फ्रीक्वेंट कोल्ड्स एंड कफ की वजह से आपने पिल्स पॉप कर ली, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे जिनको एसिडिटी होती है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, तो एसिडिटी हुई तो उन्होंने एंटासिड ले लिया, या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो लैक्सेटिव लेते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रोज कोई ना कोई पिल लेने की आदत हो जाती है. तो इसके वजह से क्या होता है, आपको तो पता ही है कि साइड इफेक्ट्स क्या है पिल्स के, बट फिजियोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स के साथ उसकी वजह से हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है. जी हाँ, हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है. एक तो हम नॉर्मल प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, और ऊपर से अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगी तो सोचिए कि कितनी बीमारियों को आप इनवाइट कर रहे हैं. तो इसके लिए अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें रूट कॉज को फाइंड करना चाहिए. हम सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करते हैं पर उसकी रूट कॉज को नहीं देखते. तो रूट कॉज मतलब क्या, रूट कॉज मतलब इफ एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो आपको हेडेक किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रेस लेता हूँ ज्यादा, ठीक है, तो स्ट्रेस हो गया आपका कॉज. पर कॉज ऑफ द कॉज क्या है, मतलब रूट कॉज क्या है. तो सोचिए कि आपको स्ट्रेस होता है बिकॉज मैं ऑफिस जाता हूँ और मुझे कलीग बहुत परेशान करते हैं, मेरा बॉस मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो हमेशा मुझे परेशान कर रहा है, मतलब आपको ऑफिस एनवायरमेंट की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है. तो यहाँ पे रूट कॉज क्या हुई, ऑफिस एनवायरमेंट. तो आप रूट कॉज के ऊपर ध्यान देके उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, ना कि सिर्फ सिम्टम्स को. अगर आप सिर्फ सिम्टम्स को कितना भी पिल्स देके ये किया या फिर आपने कोई भी थेरेपी किया हेडेक के लिए, पर वो कभी नहीं जाने वाला है क्योंकि आपका रूट कॉज अलग है. और इसके लिए रूट कॉज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है. वी एट TFN डू एग्जैक्टली द सेम. वी ट्रीट द डिजीज बाय इट्स रूट कॉज एंड नॉट जस्ट द सिम्टम. I will give every information for personal consultation in the description box below. You can check that out. Third hai mindless eating. What is mindless eating and what is mindful eating?
माइंडलेस ईटिंग, मतलब हम कभी भी ध्यान देके कुछ खाते नहीं, और उसकी वजह से आपका वेट भी बढ़ सकता है क्योंकि आप खाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने खाना तो खा लिया पर आपको वापस भूख लगी है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू योर फूड। इसका मतलब क्या है कि आप कभी अगर टीवी देखते हो, या फिर आप कभी मोबाइल पे रहते हो, या फिर और कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे लैपटॉप पे हो, मीटिंग में हो, कुछ भी हो, और आप खाने के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, उसकी वजह से आप जो भी खाते हो वो बॉडी को पता ही नहीं चलता कि आपने खा लिया, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं। कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम हंग्री तो होते नहीं है पर फिर भी हम जबरदस्ती खा लेते हैं जस्ट बिकॉज की प्लेट सामने है और हम लोग ने खा लिया। तो माइंडफुल ईटिंग क्या करती है? माइंडफुल ईटिंग अपना जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करती है। इट एड्स इन वेट लॉस, इट ऑल्सो रिड्यूसेस फूड क्रेविंग्स एंड बिंज ईटिंग, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन आवर डाइजेशन। सो देखा कितने बेनिफिट्स है माइंडफुल ईटिंग के। तो माइंडफुल ईटिंग कैसे की जाए? तो देर आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स दैट वी हैव, राइट? 1 इज आवर आईज, 2 इज आवर नोज, 3 इज टच, 4 इज टेस्ट, एंड 5 इज ईयर, राइट? तो हम इस चीजों को कैसे इस्तेमाल करें, या इस ऑर्गन्स को हम कैसे इस्तेमाल करें हमारे खाने के टाइम? तो जब भी आपके सामने कुछ भी फूड प्लेट आती है, फर्स्ट आप क्या करते हो, आप खाने को पहले देखते हो। कोई कोई कभी कभी बार ऐसे होता है कि आप खाने को देखते हो और आपका तभी पेट भर जाता है, क्योंकि आपके जो स्टमक एसिड्स है वो एग्रीवेट हो जाते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं डाइजेशन प्रोसेस को। जब हम किसी फूड को आईज से देखते हैं, हमारे मुंह में पहले ही पानी आ जाता है, तो पहले हम आईज से खाते हैं। सेकेंड नोज, तो जो भी फूड का वो अरोमा होता है वो आपके नाक में जब भी जाता है, आप तभी बहुत फील करते हो कि नहीं ये तो मुझे अभी खाना ही है, राइट? तो तभी हम सेकेंड फूड को एकदम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। थर्ड इज टच, हम देखते हैं कि कैसा है टेक्सचर, इज इट सॉफ्ट, इज इट क्रंची, इज इट सॉगी, कैसा टेक्सचर है, हमें कैसा टेक्सचर चाहिए। और टेक्सचर को हाथ लगाते ही हमें और लव फील होता है और हमें और प्यार आता है फूड के ऊपर, राइट? फोर्थ इज द टेस्ट, तो हम क्या करते हैं, हम जब भी वो फूड को माउथ में लेते हैं और उसका स्वाद हमें इतना अच्छा लगता है और हम तभी बहुत तृप्त हो जाते हैं, राइट? और फिफ्थ इज द ईयर, जब भी आप चूइंग प्रोसेस कर रहे होते हो तब आप ईयर्स को भी सुनाते हो कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर मैं खाना खा रही हूँ, राइट? और इस 5 सेंसरी ऑर्गन से आप माइंडफुल ईटिंग कर सकते हो। फोर्थ, स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज। यस, यू हर्ड इट राइट, आजकल तो फैशन बन गया है कैलोरीज काउंट करो, कैलोरीज काउंट करो, ये फूड कितना कैलोरीज देता है, वो फूड कितना कैलोरीज देता है। फूड तो छोड़ो, पर हम इंग्रेडिएंट का भी कैलोरीज काउंट करने लगे। टर्मरिक कितना पड़ा, ब्लैक पेपर पाउडर कितना डाला, राइट? पर ये सबसे क्या आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर पा रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आपको वेट लॉस इफेक्ट देगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ईटिंग हैबिट्स डेवलप करने हैं तो काउंटिंग कैलोरीज वुड डिस्ट्रॉय योर हैबिट्स। फर्स्ट, आपको अगर हेल्दी रिलेशनशिप बढ़ाना है आपके फूड के साथ, विच विल नरिश आवर बॉडीज एंड डिलाइट आवर सोल्स, तो काउंटिंग कैलोरीज वुड नॉट हेल्प। इसके लिए कैलोरी काउंट करना बंद करना चाहिए। सेकंड, डिफरेंट फूड्स गिव डिफरेंट कैलोरीज। तो अगर हम कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का प्रोसेस देखें तो हम बोलते हैं कि अच्छा हमें इतना इतना कैलोरीज ही कंज्यूम करना चाहिए, या फिर कैलोरी डेफिसिट में रहना चाहिए, पर वो कितने देर तक आपको काम आएगा? जैसे अगर आप 500 कैलोरीज एक पिज्जा या बर्गर से ले रहे हो और 500 कैलोरी एक टोफू या पनीर सैलेड से ले रहे हो, तो आप तो बोलोगे तो मुझे तो 1500 डेली का कैलोरीज बोला है खाने के लिए, तो मैं तो पिज्जा बर्गर भी खा सकता हूँ, राइट? तो कैलोरीज आप कितना ले रहे हो टोटल वो मैटर नहीं करता, पर आप कहाँ से ले रहे हो, कौन से फूड खा रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। इसके लिए आप जो भी खा रहे हो उसके ऊपर अच्छे चॉइसेस देखो कि आप क्या खा सकते हो, रादर देन जस्ट काउंटिंग कैलोरी। मेक फूड चॉइसेस विच आर मेड विद लव एंड दैट फूड विल लव अस बैक। अगर आप घर का खाना, जैसे कि माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना, या फिर घर का खाना जब आप ओवरऑल खाते हो, आपको वो लव महसूस होता है उस खाने से, जो आपको बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिलेगा। तो और वही फूड हमारे बॉडी के लिए इतना अच्छा होता है, हमारी बॉडी को वही सस्टेन करता है, हमारी बॉडी को वही एनर्जी देता है, राइट? तो इसके लिए ऐसे फूड चॉइसेस करो जो आपको लॉन्ग टाइम तक
हेल्पफुल रहे, ना कि आप बाहर का खाना खा रहे हो पर उसके उसमें तो ना प्यार है और ना ही कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, राइट। फिफ्थ, फूड एज एन एनिमी। कितने आप में से लोग हैं जो फूड को एनिमी की तरह देखते हैं? शायद मैंने गलत सवाल पूछ लिया। आप में से कितने लोग हैं जो वेट लॉस रूटीन पर है या फिर स्ट्रिक्ट डाइट पे है या फिर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो बट आप जो एक डाइट फॉलो कर रहे हो उसको, हर एक फूड को आप ऐसे देख रहे हो कि इसमें तो बहुत कैलोरी है, इसमें तो बहुत फैट है, इसमें तो बहुत कार्ब है, अरे ये तो प्रोटीन रिच ही नहीं है, तो ये मेरे क्या काम का। जब भी आप फूड खाते हो, अगर आप नेगेटिव एनवायरमेंट में खा रहे हो या फिर आप उसको नेगेटिव वाइब देके खा रहे हो कि ये फूड तो सिर्फ फूड है या फिर ये फूड तो सिर्फ कैलोरी देने वाला है, तो आपको कभी वो फूड का जो रियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो रियल नरिशमेंट है वो कभी आपको रिसीव होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको हमेशा नेगेटिव तरीके से देख रहे हो। आई विल गिव यू वन स्टोरी ऑफ अ बेगर। अभी समझो कि एक बेगर है जो जिनको एक मील भी पूरे दिन का मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। उसको एक दिन क्या हुआ कि पूरे टाइम उसको मील कुछ मिला ही नहीं, वो बहुत भूखा प्यासा था। तो एक वहां पे वड़ा पाव का थैला था, तो उसने वड़ा पाव के जो ओनर था उसने उसको फ्री में एक वड़ा पाव दे दिया। अभी समझो अगर आपके पास वो वड़ा पाव होता, अभी उसके पास जो वड़ा पाव है क्या वो डिफरेंट है आपके वड़ा पाव से? नहीं। बट वो फूड को कैसे देखेगा? क्या वो ये सोचेगा कि वड़ा पाव मतलब इसमें पाव जो है वो मैदे का बना है, मतलब तो रिफाइंड कार्ब्स, तो जो मुझे नहीं चाहिए? या फिर वो ऐसे सोचेगा कि ये वड़ा तो डीप फ्राइड है, मतलब फैट रिच है या फिर कैलोरी रिच है, तो मुझे नहीं चाहिए? या फिर जो पोटैटो है उसमें वो स्टार्च रिच है, तो वो तो मुझे डेफिनेटली वेट गेन करवाएगा? क्या वो ऐसे सोचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो भी है फूड को वो पहले गॉड के जैसे देखेगा और वो प्रे करेगा फूड को और वो अच्छे से वो बाद में खाएगा, राइट। तो आप में से कितने लोग ये फॉलो करते हैं? क्या आप कभी फूड को गॉड की तरह देखते हैं या सिर्फ आप उसको कैलोरी की तरह देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वही फूड हमें एनर्जी देगा, हमारी लाइफ को सस्टेन करेगा और हमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स देगा? नहीं, हम कभी ऐसे नहीं सोचते। हम सिर्फ फूड को एज अ फूड देखते हैं, हम या सिर्फ फूड को एज अ कैलोरी देखते हैं कि ये तो सिर्फ कैलोरी रिच है, ये तो सिर्फ फैट रिच है, कि हम उसको प्रे नहीं करते। तो चलिए अभी हम पांचों की पांच समरीज देखते हैं कि आपको कौन सी पांच हैबिट्स अभी के अभी तुरंत बंद कर देनी चाहिए। फर्स्ट, डोंट इग्नोर योर नेचुरल सिग्नल्स, राइट। जो हमने डिस्कस किया, कभी आप अपने नेचुरल सिग्नल्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि वही जाके हैबिट बनता है और आपकी बॉडी उस हैबिट को अडाप्ट कर लेती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ओवर द इयर्स आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड, पॉपिंग पिल। कोई कोई तो लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे ही दवाइयां ले लेते हैं। क्यों? जस्ट हेडेक हो गया, ले ली दवाई। एसिडिटी हो गई, ले ली दवाई। तो इसके लिए आपको पहले रूट कॉज फाइंड आउट करनी है और उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है रादर देन जस्ट अ सिम्पटम। थर्ड, माइंडलेस ईटिंग। तो अभी आप आज से माइंडफुल ईटिंग चालू करोगे ना, माइंडफुल ईटिंग आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगी अलॉन्ग विथ योर वेट लॉस। तो माइंडफुल ईटिंग जरूर करना, वेट लॉस या इसके लिए नहीं, एक हेल्दी ईटिंग हैबिट फॉलो करने के लिए। फोर्थ, स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज। डिच करो उन एप्स को जो कैलोरी काउंट करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। कैलोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या फूड खा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बैलेंस डाइट ले रहे हो कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कोई भी एक डाइट फॉलो कर रहे हो तो आप एक बार ये सोचिए कि आप वो लाइफ टाइम तक फॉलो कर पाओगे या नहीं। फिफ्थ, फूड एज एन एनिमी। हम लोग ने क्या डिस्कस किया? एक बेगर की स्टोरी। अगर आपके सामने एक फूड प्लेट आई तो क्या आप अभी ये सोचोगे कि वो कैलोरी रिच है, या फिर आप ये सोचोगे कि एटलीस्ट हमें दो वक्त का खाना अच्छे से खाने मिल रहा है? सो आई होप कि आज की जो हमने फाइव हैबिट्स डिस्कस की वो आप जरूर आपके लाइफ में फॉलो करोगे। तो स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी।